हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लासेस। मैं हूं भरत कुमार और आपको बताने जा रहा हूं कॉलेज एग्जाम से जुड़ा कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आप जानना चाहते हैं। यानी आप अभी सोच रहे होंगे ना कि पेपर हैं वो आधा हो गया है, पेपर में सेक्शन आपको सी नहीं करना है, तो पेपर बहुत ही हल्का हो गया है, मतलब ईजी वाला हो गया है। तो आपके बुक के अंदर आपकी यूनिट दी हुई है 5, तो कौन सी यूनिट पढ़े कौन सी यूनिट ना पढ़े, और क्या हम दो या तीन यूनिट पढ़ के भी पास हो सकते हैं। तो बिल्कुल धैर्य रखिए, क्या रखिए, धैर्य, क्योंकि धैर्य रखने से ही मंजिल मिलती है और मंजिल मिलने का मज़ा भी आता है। वापस दोहरा रहा हूँ, धैर्य रखिए और धैर्य रखने से ही मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपको अभी एग्जाम के पर्पज़ में जितने भी डाउट हो रहे हैं ना, कीड़े जो दिमाग में दौड़ रहे हैं, उसका समाधान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा जान लेते एक बार पेपर को। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपका जो शंका है ना, वो हम बताने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि पेपर फर्स्ट और सेकेंड, पहला जो पेपर होता था, यानी पहले जो पेपर होते थे, वह एक पेपर 3 घंटे का होता था, ठीक है ना। लेकिन कोविड का इफेक्ट अभी भी इस पेपर में पड़ रहा है और इसकी वजह से आपको क्या करना है, वो जो 3 घंटे होते थे ना, उस 3 घंटे के अंतर्गत एक ही जगह 2 पेपर हो जाएंगे। यानी अगर आप पॉलिटिकल का पेपर दे रहे हैं तो इस 3 घंटे में 1.5 घंटे के 2 पेपर हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड पेपर। तो ये आपका ईजी हो गया, यानी टाइम आपका शॉर्ट कर लिया, तो पेपर भी ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन जो ए होता है ना, सेक्शन ए के अंदर पहला प्रश्न, इसके अंदर जो 10 प्रश्न होते हैं, कितने 10 जो प्रश्न होते हैं, वो होते अति लघुरात्मक टाइप के। जो अगर आप ये सोच रहे हैं अगर मिल जाए तो बढ़िया रहे, तो आप ध्यान रखें इसे जस्ट वाला को, मेरा वीडियो जो है उसके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको पुराने साल का पेपर मिल जाएगा, नो डाउट। तो हम बात करते हैं अति लघुरात्मक टाइप के, जो यहाँ पे ए सेक्शन में पहले प्रश्न के अंदर 1 से लेकर 10 प्रश्न है ना, उसमें से आपको सिर्फ कितने करने हैं, 5 करने। कितने करने हैं आपको? 5 करने। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो 5 करने ना, इसमें आप थोड़ा गौर फरमाइएगा कि आपकी कितनी यूनिट है, आपकी जो यूनिट है, यूनिट कितनी है, 5। इस 5 यूनिट के प्रश्न हैं वो ये 10 प्रश्न होते हैं, पहले से लेके 10 तक। हम बात करें यहाँ पे कि आपकी जो 5 यूनिट है, 500 यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं पहले सवाल के अंदर। पहला जो प्रश्न है ना, ये जो पहला प्रश्न है, इसके अंदर 10 छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो इसके अंतर्गत 500 यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब 2-2 प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या कहा है कि आपको करने कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 प्रश्न ही करने हैं, 10 के 10 नहीं करने, क्योंकि शॉर्ट हो गया ना। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं, 5 यूनिट जब जैसे आप तैयार कर रहे हो, अगर आप 5 की जगह यूनिट 1, 2 और 3, अगर आप 3 यूनिट की भी तैयारी करते हो, तो पर यूनिट से दो प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम तैयारी के लिए 5 यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हो गया ना इजी। आपको पूरी 5 यूनिट तैयार नहीं करनी है, सिर्फ आप 3 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको कम बता दिया है कि आपको करने कितने, 3 यूनिट तैयार करने, और 3 यूनिट के अंदर से आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे, 6 प्रश्न हो जाएंगे। कितने प्रश्न हो जाएंगे? 6, और आपको करने कितने हैं, 5 करने हैं। तो आप 3 यूनिट तैयार कर दीजिए, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपको मैं मैटर यहाँ पे कम बता रहा हूँ, तो कम मैटर में भी कंजूसी कर दी ना, तो भाई लेने के दिले पड़ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 यूनिट में से आप कितनी यूनिट तैयार करेंगे, 3 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर दीजिए, क्योंकि 3 यूनिट से आपके सेक्शन ए के अंदर जो 5 प्रश्न है वो हो जाएंगे। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी। आपको पता होगा लघुतरात्मक टाइप के होते हैं, जिसमें आपको लगभग मान लेते हैं कि 150 शब्दों के अंतर ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, 150 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत सेक्शन बी के अंदर प्रश्न शुरू होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये जो कुल मिला के सेक्शन बी के अंदर कितने प्रश्न आ रहे हैं, 5, कितने आ रहे हैं, 5 प्रश्न आते हैं, और 5 में से आपको 3 प्रश्न ही करने हैं अब की बार। कितने प्रश्न करने हैं,
तीन प्रश्न करने हैं, याद तक क्लियर है ना। अब मैं आपको वापस बताता हूँ कि आपको वापस ये बता रहा हूँ कि यूनिट पाँच है। अब पाँच यूनिट में से अगर आप एक दो और तीन यूनिट करते हो तो भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पाँच जो यूनिट यहाँ पे दी हुई है ना, मतलब ये पाँच सवाल दिए हुए, हर यूनिट से दो दो सवाल आएंगे। समझिए, मैं आराम से बता रहा हूँ, समझिए। यहाँ पे समझिए कि ये कितने हैं, लघुतरात्मक में कितने प्रश्न हैं, पांच प्रश्न हैं। मतलब दो तीन चार पाँच छः प्रश्न आएंगे, मतलब छः नंबर तक प्रश्न होंगे उसमें बी सेक्शन में, और हर प्रश्न का बराबर अंक होगा। तो जैसे दूसरा प्रश्न है, जो दूसरे प्रश्न में भी अथवा में होगा, वापस क्या होगा, अथवा में। तो मान लीजिए अगर दूसरा प्रश्न पहली इकाई से है तो पहली इकाई के भी दो प्रश्न आएंगे, पहली इकाई के भी दो प्रश्न आएंगे अथवा में। इसके भी है तीसरा, इसके भी अथवा में क्या होगा, एक और प्रश्न आएगा, इसके भी अथवा में एक और प्रश्न आएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, आपके दो तीन चार इन पांच, ये जो पांच प्रश्न है ना, पांच में से आपको तीन यूनिट पढ़ते हो तो तीन यूनिट से आपके सवाल हो जाएंगे तीन पूरे, तीन यूनिट से तीन पूरे हो जाएंगे। समझिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अब आपको ये कहा गया है कि पांच में से तीन प्रश्न ही करने, कितने करने, तीन, और हर यूनिट से अथवा में मिलाकर दो दो प्रश्न आते हैं, कितने आएंगे, दो दो प्रश्न। तो अगर आपने पहली यूनिट तैयार कर दी तो ये हो गया क्लियर, दूसरी यूनिट तैयार कर दी तो तीसरा प्रश्न भी हो गया, तीसरी यूनिट का याद कर दी तो चौथा प्रश्न भी हो गया। तो इस तरह से अगर देखें तो आपके तीन यूनिट अगर तैयार करते हो तो तीन यूनिट में भी आपको छः प्रश्न मिल जाएंगे, और करने अथवा में मिलाकर छः, और तीन यूनिट से प्रश्न आएंगे आपको, मतलब आएंगे पूरे पाँच यूनिट से, लेकिन अगर आपने तीन यूनिट की तैयारी की है तो बिल्कुल आपके तीन यूनिट के प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी आपको तीन प्रश्न ही करने हैं, तीन प्रश्न ही करने हैं, तो इसलिए आप क्यों ना तीन यूनिट की तैयारी करें। कितनी यूनिट की तैयारी करें, तीन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है ना लघुतरात्मक में, हर यूनिट से दो दो प्रश्न मिलेंगे, और आपको अगर दो इसके दो इसके दो इसके छः प्रश्न होते, लेकिन हर यूनिट का एक एक प्रश्न करना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको पांच प्रश्न मिलेंगे, पांच प्रश्नों में से आपको तीन प्रश्न करने हैं, तो पांच प्रश्न मतलब पांच यूनिट से आ रहे हैं। अगर आपको तीन ही प्रश्न करने तो तीन ही यूनिट तैयार कीजिए ना, तीन ही यूनिट तैयार कीजिए, ठीक है, हो गया क्लियर। अब बात करें सेक्शन सी, तो मेरे प्यारे लाडले विद्यार्थियों, सेक्शन सी आपको नहीं करना है, सेक्शन सी नहीं करना है। तो इसलिए आप में से बहुत जनों ने कहा था सर एक वीडियो बनाइए और इसमें बताइए कि क्या हम पाँच यूनिट की जगह तीन यूनिट की तैयारी करके अच्छे से पास हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपने तीन यूनिट बहुत अच्छे से तैयारी कर दी है ना, तो आपके तीन यूनिट से ही प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दस में से पाँच करने हैं, पाँच में से यहाँ पे तीन करने हैं, तो सेक्शन में से ही प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से आपके अगर तीन यूनिट तैयार कर दी बहुत अच्छे से, तो ध्यान रखना वो आपके पहले पांच प्रश्न, मतलब आपका सिंपल सा ध्यान है कि दस प्रश्न में से छः प्रश्न मिल जाएंगे। आपने तीन यूनिटी तैयार कर दी तो दस में से छः प्रश्न आपको मिलेंगे। सेक्शन बी के अंदर आपने तीन यूनिटी तैयार कर दी है, फिर भी आपको अथवा में मिलाकर छः प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत ईजी हो गया। अब आपका समाधान मिल गया होगा कि आपको 500 सेक्शन तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तीन सेक्शन करिए, बढ़िया करिए। यानी अगर आप जो भी काम करें वो काम भी अगर बढ़िया करते हो तो कहने ही क्या, लाजवाब हो जाएगा। अब भी अगर आपको डाउट रहता है ना, तो कमेंट बॉक्स आपके सामने होगा, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मेरे पास आएगा और मैं आपको बता दूंगा कि आपको और क्या करना है। तो समझ में आया होगा, अगर कुछ भी और रह जाता है किसी भी सवाल को लेकर, अपने पॉलिटिकल की जितने भी अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड जो भी है, और ये जो मैं पैटर्न बताया ना, ये पैटर्न राजस्थान के सभी कॉलेज में आई थिंक फॉलो किया गया है, और इस तरह से ही संभावित होगा। तो आप बेफिक्र होके मैंने जैसे कहा वैसे तैयारी कीजिए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीन यूनिट आपने अगर अच्छे से तैयार कर दिए तो आप बेहतर स्कोर कर लोगे, और पेपर आपको मिले हैं, आपको ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिए हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो इसे जस्ट वाला वीडियो था उसमें आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया लिखने का तरीका वगैरह, वो सब चीज़ें बता दी हैं। तो अब हम आपको फाइनल यही बता रहे हैं कि जितना भी अगर आप, मैंने आपको शॉर्ट बताया ना, वो शॉर्ट भी बढ़िया तैयार कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य फिक्स है तो उसके लिए तैयारी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी परिणाम और सफलता शोर
मचाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।